अभी मैं आपको एक कोड आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए कि एच के अंदर यानी जो हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं उसकी जो उसकी जो लैंग्वेज है वो एच है उसमें टैग कहाँ पर यूज़ होता है और हम मेटा टैग को हम टैग के अंदर कीवर्ड्स को जो कि बिल्कुल बेसिक है किसी भी सर्च इंजन का आ, या 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 कोई भी कंपनी क्रिएट करनी है फेसबुक पे या गूगल एडवर्ड पे या एडसेंस पे तो वो वो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं तो मैं आपको अभी एक कोट बेज सिखाता हूँ सिर्फ एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है और ये हम डिस्कस भी करेंगे अभी कि जो हमने इससे पहले एच हमने जनरेट की थी तो हमें ब्राउज़र के ऊपर यानी फॉर फजमा मोजीला था या क्रोम था उस पर उसकी आउटपुट नज़र आ रही थी लेकिन जो मेटा टैग होता है इसका जो बेसिक इंटेंट है वो बेसिकली मेरे और आपके लिए एज अ एंड यूजर नहीं है इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको यूज करने का वो सर्च इंजन है यानी हमने सर्च इंजन को बताना है कि मेरे वेब पेज में क्या चीज़ है मतलब क्या है इसका कि जब हम हम लोग अभी कोड लिखेंगे ना तो मेटा टैग का जो कोड है वो आपको ब्राउजर में नजर नहीं आएगा लेकिन ब्राउजर को या कंप्यूटर को समझ आ जाएगा यानी इसको टेक्निकली बोलते हैं कि द कोड इज पार्सिबल यानी जो ब्राउजर है वो टैग को समझ जाएगा लेकिन मुझे और आपको टैग स्क्रीन के ऊपर या ब्राउजर के ऊपर नजर नहीं आएगा और नजर नहीं आना चाहिए रीजन के मैं एज अ एंड यूजर अगर किसी वेबसाइट पे जा रहा हूं तो मेरा ये लीज कंसर्न है कि उस वेबसाइट ने कोड कैसे किया हुआ यानी उसके अंदर मेटा टैग क्या लिखे हुए हैं ये मेरा कंसर्न नहीं है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेटा टैग्स हैं वो एंड यूजर को ब्राउजर पे या वेब पेज पे नज़र नहीं आते सो लेट्स जंप इनटू द कोड सो नाउ स्टूडेंट्स मैंने डेस्कटॉप uh, के ऊपर एक पेज क्रिएट किया हुआ मेटा डॉट एच के नाम का इसको मैं ओपन करता हूँ पहले ब्राउज़र में ओपन करता हूँ और फिर हम इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली कोड है क्या और इसी कोड को मैं साथ में नोट पैड में ओपन कर लेता हूँ नोट पैड के अंदर भी मैं इस कोड को ओपन करने लगाऊँ और उसके बाद इसको मैं ब्राउज़र में भी रन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ये हमारा कोड है जो हमने लिखा है इसमें से मैं ये मेटा यू टी एफ वाली चीज़ निकाल देता हूँ ताकि हम बिल्कुल बेसिक चीज़ को समझें और बॉडी में अब ये मेरा कोड है जो आउटपुट में आया है यहाँ पे आप देखें टाइटल में लिखा हुआ आ रहा है मेटा टैग एग्जांपल और मेटा टैग सैंपल मेटा टैग ये मुझे ब्राउजर में नजर आ रहा है अगर इसी वेब पेज का मैं एच ओपन करूँ जो मैं ब्राउजर में रहते हुए कर सकता हूँ इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं सिर्फ व्यू पेज सोर्स करूंगा तो अब ये देखें ये मेरे पास एच का सारा कोड यहीं पे ओपन हो गया अब मैं अगर इस कोड को अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें वही एच टी एम एल का टैग है हेड का टैग है और टाइटल का टैग है ये टाइटल वही है जो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ यह नज़र आ रहा है मेटा टैग एग्जाम्पल अब जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि जो मेटा का टैग है उसके अंदर हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं अब मेटा का टैग एंग्लो ब्रैकेट से स्टार्ट होता है जस्ट लाइक एनी एच टी एम एल टैग नेम का एक कीवर्ड है इसमें हम बताते हैं कि हम क्या डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और कंटेंट क्या होगा यानी मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन और जो उसका कंटेंट है वो बेसिकली है फ्री वेब ट्यूटोरियल मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहां पे दूसरा मैंने टैग का नाम डिफाइन किया मेटा टैग का कीवर्ड्स ये जो एक्चुअली मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख रहा हूं ना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्राउजर को बताते हैं या सर्च इंजन को ये कीवर्ड्स बताते हैं कि वॉट टू लुक फॉर इन माई वेब पेज ये मेरा वेब पेज है और इस वेब पेज के अंदर जो मैं कीवर्ड डिफाइन कर रहा हूँ एच टी एम एल सी एस एस एक्स एम एल जावा स्क्रिप्ट ये सारी वो चीज़ें हैं जो कोई भी एंड यूज़र जब सर्च करेगा सर्च इंजन पे, तो जो सर्च इंजन है मेरे वेब पेज के ऊपर इस लाइन से आके मैच करने की कोशिश करेगा कि क्या आप मेरा पेज दिखाना चाहिए या नहीं उसके बाद मेटा नेम इज़ इक्वल टू ऑथर और मैंने नाम लिख दिया ये जो ये तीन और मैं और भी लिख सकता हूं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है और जो मेटा टैग होता है वो टाइटल टैग की तरह हेड के टैग में स्टार्ट होता है और हेड के टैग में ही खत्म होता है मैं मतलब इसको बॉडी टैग में नहीं लिख सकता और फिर बॉडी टैग में मैं जो भी लिखूंगा बिटवीन स्टार्ट बॉडी टैग एंड एंड बॉडी टैग वो मुझे स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा मेटा टैग सैंपल मेटा टैग में यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगा तो यहां पे ये यह देखें कि मैंने जो ये मेटर के अंदर चीजें लिखी हैं ये मुझे ब्राउजर में नजर नहीं आ रही ब्राउजर में सिर्फ मुझे वो चीज नजर आती है जो मैं बॉडी टैग के अंदर लिखता हूं सैंपल मेटा टैग दिस इज इट मैं अगर यहां पे कुछ और भी लिख दूंगा तो वो भी मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा तो मेटा जो टैग होता है वो ब्राउजर को समझाने के लिए होता है कि वेबसाइट है क्या या वेब पेज क्या है मुझे एज अ एंड यूजर ये मालूम करने की खतम जरूरत नहीं है कि जो मुझे वेब पेज दिखाया जा रहा है उस वेब पेज के अंदर मेटा क्या है मतलब आसान लफ्जों में मेटा एंड यूजर के लिए नहीं होता मेटा सर्च इंजन के लिए होता है मतलब गूगल के लिए है बिंग के लिए है याहू के लिए है जो भी मशहूर सर्च इंजन है उनके लिए मेरे और आपके लिए एज ए एंड यूजर मेटा टैग नहीं होते